गिव मी पेंसिल पेंसिल नो पेंसिल ये तो गलत बात है ना, ये देखे सारे बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं, नीचे मोहम्मद का नाम है, अहमद का नाम है, ये देखे मोहम्मद का नाम, ये बच्चा देखे यूं दिख रहा है। दोस्तों काशान शहर को एक ये भी एजाज हासिल है कि इस शहर में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। आप मस्जिद जा करें, मस्जिद कितनी प्यारी है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। किचन तो इन रुशा का अच्छा तरह भी तस्वीरें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मस्जिद है और मस्जिद में तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मस्जिद के अंदर ये देखिए कब्र बनी हुई है, तस्वीर लगी हुई है। और यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ जो भी जिसकी जिस किसी की कब्र होती है तो वहाँ उसकी तस्वीर और नाम वगैरह सब डिटेल लिखा होती है। देखिए और कहा जाता है कि ये जो बाजार है ये 8 एकड़ के रकबे पर मोहित बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है। अशल्ट फार्मी काशान का कितना खूबसूरत बाजार, तारीखी बाजार, और ऐसे बाजार हैं कि लगता है कि ये कोई महल है या कोई किला है। ये मिला था 3 लाख इनके पास, 1500 रुपये का मुझे ये रूम मिला था। जो खजूर है इसका रेट जो है ना पाकिस्तानी हिसाब से 400 रुपये किलो, फिर तो ठीक है यार। ईरान में मुझे जो भी मिल रहा है वो मुझे कह रहा है कि यार आप अरबी हो, हालांकि मैं अरबी तो नहीं हूँ, क्या आप अरबी लगता हो, आप मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत होंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ काशान में और आज इंशाल्लाह एक्सप्लोर करने हमने काशान सिटी को। और रात में यहाँ सोया था, ये मैंने रूम लिया था और ये जो ना मुझे मिला था 3 लाख इनके पास से, 1500 रुपये का मुझे ये रूम मिला था। और आज की वीडियो में हम आपको काशान दिखाएँगे इंशाल्लाह। ये हैं जी दोस्तों काशान के बाज़ार, इस टाइम हम मैं मौजूद हूँ काशान के बाज़ार में और देखते हैं कि काशान के बाज़ार और ईरान के दूसरे बाज़ारों में क्या फ़र्क है और रेट्स में भी क्या फ़र्क है, मालूमात करते हैं रेट्स का। और ये भी जो शहर है ये भी पुराना शहर है, 800 साल पुराना शहर है। ईरान की पूरी हिस्ट्री है, ईरान के जितने भी शहर हैं सारे के सारे तारीखी शहर हैं। और ये भी आप देखें तारीखी शहर है और बहुत पुराना बाज़ार है, ये नया कोई बाज़ार नहीं है। यहाँ ये कपड़े की दुकान है पंचल्ट की, बड़े सजावट के साथ रखा गया इनको। और ये देखें इनको भी बड़ी सजावट के साथ रखा गया है। खवातीन भी बाजार के अंदर मौजूद हैं और माशाल्लाह से ऊपर वहाँ देखें बड़े रश है आगे। चलें वहाँ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज काशान के बाज़ारों को। एक यहाँ कपड़े की दुकान है कॉस्मेटिक की, पेंट शर्ट की, तो यहाँ से रेट्स की मालूमात लेते हैं कि शर्ट्स कितने की मिलती हैं मेरे अपने साइज की। सलाम, आई गेट अ शर्ट फॉर मी, फारसी इंग्लिश नो। तो ये कह रहे हैं कि मुझे इस खातून से मैंने बात की कि भी मुझे एक शर्ट चाहिए अपने लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं किसी और को बुला के लाती हूँ। तो कोई दुकानदार रहता है उससे मालूम लेते हैं कि भी मैं अपनी साइज की अगर शर्ट लेना चाहूँ तो कितने की मिलेगी। पाकिस्तान हाउ मच ऑफ दिस शर्ट प्राइस? टू मंथ रियाल रियाल, यानी के 2000 के लगभग यार ये शर्ट दे रहा है, मेरे हिसाब से महंगी है, इतनी अच्छी भी नहीं है यार। चलो आगे चलते हैं यार, चलें जी दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखें जी दोस्तों काशान का कितना खूबसूरत बाजार, तारीखी बाजार, और ऐसे बाजार हैं कि लगता है कि ये कोई महल है या कोई किला है। और ये हैं जी इनके बाज़ार, शायद पाकिस्तान में ऐसा कोई भी बाज़ार हमें ऐसा देखने को ना मिले। और ये देखें आप बहुत तारीखी बाज़ार है, और मज़े की बात ये है कि यहाँ के जो बाज़ार है वहाँ पर आवाम के बैठने के लिए भी देखिए जगह बनाई गई है कि यहाँ पे बंदा आके बैठ सकता है, और पास पानी है तो बच्चे वगैरह हैं तो यहाँ पे खेल भी सकते हैं। और सामने देखें आप, क्या यार कमाल है कसम से, ईरान में तो मेरा दिल लग गया है। और कहा जाता है कि ये जो बाज़ार है ये 8 एकड़ के रकबे पर मोहित बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है। लेकिन मैंने एक बात और नोट की है इस बाज़ार में, इस बाज़ार की जो सड़कें हैं ना दूसरे शहरों के चत कुछ तंग हैं। ये जो बात है यहाँ पर सोने की दुकानें भी यार बहुत ज़्यादा है, मैं देख रहा हूँ
तो ये लगता है वैसे तो ईरान माशाल्लाह से खुद ही खूबसूरत है, और इसके अलावा इसके हर शहर खूबसूरत है, हर शहर की अपनी तारीख है। दोस्तों यहाँ पर एक हमाम है, हमाम खान के नाम से है, अपनी बहुत तारीखी हमाम है। अभी फिलहाल सुबह का टाइम है, इतना रश नहीं है। तो बहरहाल एक इस बाज़ार की मैंने ये खूब भी देखी है कि इस बाज़ार में मैंने देखा है कि काफ़ी जगहों पर गोश्त लटके हुए थे। इससे पहले जो जिन बाज़ारों में मैं गया हूँ मैंने ये देखा है कि उन बाज़ारों में गोश्त बहुत ही कम था, मतलब वहाँ के लोग शायद कम खाते होंगे, लेकिन इस बाज़ार में ये मैंने नोट किया है कि यहाँ गोश्त काफ़ी है, लगता है यहाँ के लोग गोश्त शौक से खाते हैं, मैं भी गोश्त शौक से खाता हूँ। दोस्तों काशान शहर को एक ये भी एजाज़ हासिल है कि इस शहर में मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं। बाज़ार के अंदर एक मस्जिद है जहां हम पहुंच गए हैं, और ये आप मस्जिद चेक करें, मस्जिद भी तारीखी, क्योंकि शहर भी तारीखी, बाज़ार भी तारीखी, और हर चीज़ तारीखी। और मस्जिद के अंदर ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, मतलब कि माहौल बेहतरीन है। मस्जिद में भी मतलब फुहारे वगैरह लगाए हुए हैं, और उस तरफ ये देखें, इस तरफ देखें बच्चे ने शरारत की है। सलाम इस्म, हाँ इस्म मोहम्मद, मोहम्मद, अरे भाई मोहम्मद मुझे बहुत अच्छा लगता है नाम। अच्छा जी ये एंड आप ना आप गुसल फदियो फदियो पानी अरे खराब 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 पानी मिला रहे हो, अच्छा पानी साफ है, अच्छा साफ है, आप साफ अरे। मस्जिद के अंदर कब्रिस्तान है शायद, और यहाँ पर ये देखो नाम भी लिखा हुआ है, उनकी वफात सब कुछ लिखा है, और हम लोग भी तो साथ यहाँ पे घूम रहे हैं और इस तरफ भी हैं, तो ये तो गलत बात है ना। ये देखे सारे बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं, नीचे मोहम्मद का नाम है, अहमद का नाम है, ये देखे मोहम्मद का नाम है, ये बच्चा देखे जूते के साथ है, ये यार इन लोगों का गलत असर है। हमारा ये अकीदा है कि जहाँ तस्वीर होना वहाँ नमाज नहीं होती, लेकिन ईरान में आकर मैंने ये नोट किया है कि यहाँ मस्जिद के अंदर तस्वीर है, जो कि मैं समझूं कि नहीं होनी चाहिए। आप ये देखें जो अभी इब्राहिम रेसी साहब थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उनकी ये देखें तस्वीर है, ये देख ये भी तस्वीर है, और इसके अलावा उस तरह भी तस्वीरें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मस्जिद है और मस्जिद में तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मस्जिद के अंदर ये देखें कब्र बनी हुई है, तस्वीर लगी हुई है, और यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ जो भी जिसकी जिस किसी की कब्र होती है तो वहाँ उसकी तस्वीर और नाम वगैरह सब डिटेल में लिखा होती है। देखें ये भी और ये देखें तस्वीर है, बहरहाल ये इनका अपना चीज़ है। आप मस्जिद जा करें, मस्जिद कितनी प्यारी है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा यहाँ में मुफ्ती साहब बैठ के तकलीफ करते हैं, अरे 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 समझ गया, जिन 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 तुम्हारे निकालो मारो एक्स बगी करने वाले पक्ष को, समझ गया भैया मारो एक्स बगी, हाँ तुम्हारी कुछ भी ले रहा हूँ ना मैं, फोन दाई आपकी भी ले रहा हूँ बेटा, फोन दाई अरे ले रहा हूँ, मेरी जान चुप कर जाओ। अच्छा जी ये देखो खास दफा लोगों के पास यहाँ इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट बहुत स्लो है, तो वो कहते हैं कि हमें अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख दे, तो यहाँ से एक पेंसिल की दुकान है, यहाँ पेंसिल यहाँ से ले लेते हैं। सलाम, गिव मी पेंसिल, पेंसिल नो पेंसिल, दिस इज मेकअप, मेकअप ब्रश ओके, पेंसिल नॉट ओके, ममनून। दोस्तों जैसे कि मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूं कि ये शहर बहुत तारीखी है, तो जैसे ही तारीखी शहर है तो आप सोच रहे हैं इतनी आठ सौ पुराना शहर अभी तक इतना प्यारा कैसे है, उसकी वजह ये है कि जो ईरानी लोग हैं ना, क्योंकि जब भी इतने बहुत पुरानी तारीख है तो इस दौरान काफ़ी आफतें आई होंगी, लाइक सैलाब जंजला लाइक जब ये शहर आए हैं, लेकिन फिर इसके बाद लोगों ने शहर को मेनटेन रखा है, ये नहीं है कि पुरानी तारीखी चीज़ें हैं इसको ख़त्म कर देने, तारीखी चीज़ों की इन लोगों ने हिफाजत बहुत अच्छी तरीके से की है। और इसके 10 एकड़ किरफे मुई थी बाजार है, फिलहाल जो है ना ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो एक बाजार का रास्ता खत्म हो गया, फिर आगे साथ में और बाजार शुरू हो जाएगा, ये नहीं है कि बाजार खत्म हो गया। हमारे जैसे आप सामने देख लें वो बाजार, इस तरफ भी देखें बाजार है, इस तरफ भी बाजार है, बहुत तारीखी खूबसूरत पूरा का पूरा ईरान है माशाल्लाह से, ये नहीं कि सिर्फ एक शहर, इस भी शहर में चले जाओ उसकी तारीख है और वो उससे भरा हुआ है। ये चेक करें जी कच्ची गलियां, काशान शहर की कच्ची गलियां, लेकिन नीचे जो है ना वो टफ टैल है, कमाल है यार। ये शहर तारीखी है, तो उस वक्त तो इंटर नहीं हुआ करते, तो ये देखें
मिट्टी के साथ बनाई गई हैं और ये कच्ची जो है ना दीवारें हैं। ये चेक करें जी कितनी प्यारी गलियां इनको भी सजावट के साथ बनाया गया है और इनकी जो मेंटेनेंस है बनावट सजावट को बरकरार रखा हुआ है। ये नहीं है कि भी तारीख ही है इनको भी गिरा दो या भी इनके ऊपर केयर ना करो, नहीं जी ख्याल के साथ हर चीज़ को इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है और जिसकी वजह से ये जो तारीखी बाजार है अभी तक ठीक ही है। ये ड्राई फ्रूट की दुकान है तो ड्राई फ्रूट की दुकान से रेट का पता करते हैं कि इसके रेट क्या है। आगा आगा क्या रेट है यानी कि फी किलो फी केजी या किलो एक्स्ट्रा का। तो ये जो खजूर है इसका रेट जो है ना पाकिस्तानी हिसाब से 400 रुपए किलो फिर तो ठीक है यार। ईरान में मुझे जो भी मिल रहा है वो मुझे कह रहा है कि यार आप अरबी हो, हालांकि मैं अरबी तो नहीं हूँ, क्या आप अरबी लगता हो आप मुझे बताइएगा। हो सकता है मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि मेरी यहाँ मैंने यहाँ खिलाड़ी बड़ी की हुई है, यहाँ से फटाई हुई है, यहाँ से छोटी है और शेख लोग गाड़ी ऐसे रखते हैं, शायद इसी वजह से लोग मुझे जो है ना अरबी समझ रहे हैं और जब आते हैं तो अरबी मशहूर है जिसको अरबी आती है तो वरना पूछते हैं आप अरबी हो तो मैं कहता हूँ नहीं यार अरबी नहीं हूँ। जो लोग हैं माशाल्लाह सेहतमंद हैं, यहाँ मैंने नोट किया हस्पताल में बहुत ही कम है,